अहमदाबाद में वरिष्ठ नागरिक हितकारी सेवा समिति कटघर के तत्वावधान में वार्षिक उत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर महानगर के कई बड़े गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहे। मुरादाबाद के कटघर स्थित सरस्वती बाल विद्या मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में मुरादाबाद बरेली खंड के MLC डॉक्टर जे पाल सिंह व्यस्त ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर समिति के मुख्य संरक्षक विनोद कुमार सिंगल और वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोपाल मिश्र तथा अध्यक्ष नरेंद्र कुमार गुट्टा उपस्थित रहे। समिति में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए आगे की पढ़ाई करने के टिप्स दिए तथा जो बच्चे छोटी क्लासों में हैं उनके बेहतर भविष्य के लिए नए नए कार्यक्रम बनाने पर जोर दिया गया। गरीब छात्र छात्राओं के उज्ज्वल भविष्य के लिए भी कामनाएं की गई। आज वरिष्ठ नागरिक हितकारी सेवा समिति का वार्षिक उत्सव है और ये 8 साल से ही समिति चल रही है और इसमें जो है जो भी समाज सेवी होते हैं उनको हम सम्मान करते हैं, जैसे डॉक्टर्स हैं और संगीतज्ञ हैं और कवि हैं, तो इन सबको हमने पिछले साल भी जो है सम्मानित किया और हर साल जो है हम समाज से जुड़े हुए जितने भी व्यक्ति हैं उनको सम्मानित करते आ रहे हैं। इस बार हमने जो है रामलीला जो मुरादाबाद से प्रारंभ हुई है विदेशों तक पहुंची है, जिन लोगों ने अपने यहाँ की मुरादाबाद की रामलीला विदेशों में पहुंचाई है आज हम उनका सम्मान कर रहे हैं। और एक हमारे मुरादाबाद के डॉक्टर आनंद प्रकाश जी हैं, उनका लड़का वैभव है, उन्हें IAS में 58वां स्थान प्राप्त किया है, उसको सम्मानित कर रहे हैं। ये सरस्वती विद्या मंदिर गुलाबबाड़ी कटघर में कुछ बच्चों ने जो है जिले स्तर पर और प्रदेश स्तर पर 10वीं और 12वीं में जो स्थान प्राप्त किए हैं, पहला स्थान प्राप्त किया है, उनको हम सम्मानित कर रहे हैं। सर, जिन लोगों को सम्मानित करने वाले हैं आप, कौन कौन लोग हैं, कहाँ कहाँ के हैं और क्या क्या सम्मानित में हैं? सब यहीं कटघर के हैं, कटघर निवासी हैं और ये संस्था जो है कटघर निवासियों के लिए बनाई गई थी जिसका अब विस्तार पूरे मुरादाबाद में हो चुका है। आज कितने लोगों को सम्मानित करा जा रहा है? आज करीब 20 लोग हैं, करीब 20 लोगों को सम्मानित कर रहे हैं।